हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना। वेलकम टू माय चैनल फूडशिप। आज बनाएंगे देसी थाली की रेसिपी, जिसमें मैं बना रही हूं भौरी यानी कि लिट्टी। ये स्टफ्ड लिट्टी है और इसी के साथ हरे धनिए की चटनी, साथ में देसी घी, ताज़ा मूली, हरी मिर्च और इसी के साथ सर्व करेंगे बैंगन का भरता यानी कि चोखा। ये देसी थाली की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और आज इसे हम बनाएंगे, इस लिट्टी को, गैस तंदूर पर। अगर आपके पास गैस तंदूर नहीं है तो आप इसे फ्राई करके भी बना सकते हैं। तो आइए बनाते हैं इसे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए बनाते हैं लिट्टी चोखा। सबसे पहले चोखा यानी कि भरता बना लेते हैं। तो इसके लिए मैं 3 टमाटर ले रही हूँ। टमाटर को किनारे का हिस्सा इस तरीके से कट कर दें और बीच में से 2 हिस्सा कर लें। बैंगन लिया है मैंने, ये बैंगन जो है भरते वाला बैंगन है। बैंगन खरीदते समय एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आप इसको हाथ में उठाते हैं तो बहुत ही लाइट वेट होना चाहिए। लाइट वेट का जो बैंगन होता है बहुत अच्छा होता है भरते के लिए। बस चाकू से इस तरीके से कट करके देख लें कहीं इसमें कीड़े तो नहीं हैं। उसके बाद इसके ऊपर हल्का सा तेल लगा देंगे। तेल में सरसों का तेल इस पर लगा रही हूँ। तेल लगाने से क्या है, जब ये पक जाता है तो इसका छिलका उतारने में बहुत ही आसानी होती है। तो बस इस तरीके से तेल लगा दें इसके ऊपर। बस अब इसे गैस के ऊपर हम रोस्ट कर लेंगे यानी कि पका लेंगे। और टमाटर को मैं 3 से 4 मिनट के लिए हाई पर माइक्रोवेव कर लूँगी। तो बैंगन को मैं इस तरीके से पका रही हूँ। एक वायर रैक रखें चूल्हे के ऊपर और गैस का फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम पर कर लें। बीच बीच में इसे पलटते रहें और अच्छी तरह इसे पका लें। जब तक ये बैंगन हम पका रहे हैं तब तक आटा गूँथ लेते हैं भौरी बनाने के लिए। तो मैंने लिया है 2.5 कप गेहूं का आटा। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। नमक बहुत ही थोड़ा सा डालना है। उसके बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एकदम टाइट आटा तैयार कर लें। जो आटा हम रोटी के लिए बनाते हैं वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, लेकिन जब हम भौरी के लिए आटा बनाते हैं तो वो एकदम कड़ा होता है। जैसे हम सादा पूड़ी बनाने के लिए आटा तैयार करते हैं उसी तरीके से इसका आटा तैयार करना है। तो बस आप देख सकते हैं आटा ये तैयार हो चुका है और बहुत ही सख्त है। थोड़ा सा देसी घी इसके ऊपर लगा लें जिससे कि ये चिकना हो जाएगा। बस ये आटा अब एक साइड रख देते हैं। अब इधर ये बैंगन भी अच्छी तरह पक चुका है। गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसे 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए। थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद इसका जो छिलका है उसे निकाल लें। अभी भी ये बहुत ही गर्म है तो बड़ी सावधानी से ये काम करें। अगर थोड़ा बहुत ये जो छिलका है भरते में रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये खाने में ख़राब नहीं लगता है, लेकिन आपसे जितना हो सकता है इसका छिलका अलग कर दें। बस इस तरीके से मैंने बैंगन को अच्छी तरह छील लिया है। अब इसे एक परात में निकाल लें। साथ ही में मैंने टमाटर को माइक्रोवेव में 3 से 4 मिनट के लिए हाई पर माइक्रोवेव कर लिया था। बहुत ही जल्दी ये पककर तैयार हो जाता है। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो बैंगन की तरह इसे, इस टमाटर को भी आप पका सकते हैं। बस आप देख सकते हैं इसका छिलका कितनी आसानी से अलग हो रहा है। इसे भी बैंगन के साथ मिक्स कर लें। अब इसे अच्छी तरह मसल लें। आप चाहें तो इस भरते में 2-3 आलू भी उबाल कर डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें आलू का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ बैंगन और टमाटर से ही बना रही हूँ। अच्छी तरह मसलने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 2.5 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। हरी मिर्च स्वाद के अनुसार डाल दें। बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती, ये भी आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दें।
साथ ही में डाल दें इसमें स्वाद के अनुसार नमक। बस इतनी ही चीज़ें हमें भरते में डालनी है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये भरता जो है बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो ये बैंगन का भरता आपके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसे आप अपने खाने में हफ्ते में 2-3 दिन तो इसे ज़रूर खाएँ। बस ये इंग्रेडिएंट्स मैंने लिख दिए हैं क्योंकि बहुत सारे हैं, तो आप इसे नोट डाउन कर लें एक बार। अब लिट्टी की तैयारी कर लेते हैं। तो लिट्टी की स्टफिंग करने के लिए मैंने लिया है, वैसे तो ये जो सत्तू है ये मार्केट में मिलता है, अगर नहीं मिलता है तो आप इस तरीके से भुना हुआ चना लें करीब 200 से 250 ग्राम, उसको एक ग्राइंडर में डालकर एकदम फाइन पाउडर तैयार कर लें। ये बहुत ही अच्छा तरीका है सत्तू बनाने का, क्योंकि हमेशा हमें मार्केट में तो ये अवेलेबल होता नहीं है, और इस तरीके से बनाने से क्या है ये बहुत ही टेस्टी लगता है और ताज़ा भी होता है। वैसे आप इस पाउडर को बनाने के बाद किसी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं करीब 2-3 महीने तक, ख़राब नहीं होता है। गर्मी के समय में आप इसको फ्रिज में रख दें किसी एयर टाइट कंटेनर में, और जब मर्जी आप इस लिट्टी को बना सकते हैं या इसका पराठा बना सकते हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा प्याज एकदम बारीक काट कर, 2 से 2.5 चम्मच लहसुन एकदम बारीक काट कर, हरी मिर्च और अदरक स्वाद के अनुसार, और साथ ही में मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च का भरा हुआ अचार। नॉर्मली तो घरों में अचार होता है, नहीं है तो आप इसमें आम का अचार भी डाल सकते हैं या अचार का मसाला डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो 1 से 1.5 चम्मच डाल दें। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा इसमें कलौंजी डाल दें और थोड़ा सा इसमें जीरा डाल दें। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नींबू का रस, 3 से 4 चम्मच इसमें सरसों का तेल डाल दें। तेल ज़रूरत के अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। साथ ही मैं डाल रही हूँ मैं स्वाद के अनुसार नमक। बस इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप सोच रहे होंगे इतना सारा इसमें तेल डाल दिया, लेकिन आप इसमें तेल डालना बिल्कुल अवॉइड ना करें, क्योंकि इससे ही तो इसका टेस्ट आएगा और हल्की सी बाइंडिंग आएगी। तेल की जगह वैसे लोग पानी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अगर परहेज कर रहे हों तेल हमें नहीं खाना है, लेकिन मैं तो कहूँगी कि सरसों का तेल इतना नुकसान नहीं करता है, फ़ायदा ही करता है, और सर्दियों में तो खास करके ये फ़ायदा करता है। तो बस इतना हमें तेल डालना है कि इसमें हल्की सी बाइंडिंग आ जाए, थोड़ा सा टेस्ट भी कर लें इसका नमक ठीक है कि नहीं ठीक है, कम ज़्यादा है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। वैसे एकदम ये परफेक्ट बना है। मैंने इसमें करीब 4 से 5 चम्मच तेल का इस्तेमाल किया है। मैं तो यही कहूँगी कि इसकी स्टफिंग में आप पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। बस अब इस तरीके से लोई बनाएं। लोई का साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा लें, क्योंकि जो भौरी होता है वो थोड़ा मोटा होता है, बारीक अगर आप बनाते हैं तो ये हार्ड हो जाएगा और खाने में अच्छा नहीं लगेगा। 2 से 2.5 चम्मच इसमें स्टफिंग डाल लें और सॉफ्टली इसे घुमाते हुए बंद कर लें। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो वीडियो को आप ध्यान से देखें किस तरीके से मैं बना रही हूँ, आप बहुत ही आराम से इसे बना सकते हैं। बस एक बार और देख लेते हैं कि इस भौरी को यानी कि लिट्टी को कैसे बनाना है। साइज जो है थोड़ा सा बड़ा ले लोई का। आटे में इस तरीके से कोट करें, उंगलियों की सहायता से इसे घुमाते हुए कटोरी जैसा कर लें। अब इसमें करीब 2 से 2.5 चम्मच ये जो हमने मसाले तैयार किए हैं सत्तू के साथ वो भर दें। हल्का सा इस तरीके से दबाएं और सॉफ्टली घुमाते हुए इसे बंद कर लें। बहुत ही आसान है, एक बार बनाने के बाद आप खुद बहुत ही जल्दी जल्दी इसे बनाने लगेंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है ये। बस इसी तरीके से सारा भौरी मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। भौरी को सेकने के लिए यानी कि रोस्ट करने के लिए मैंने गैस तंदूर का इस्तेमाल किया है आज। तो गैस तंदूर को पहले 10 मिनट के लिए गर्म होने के लिए छोड़ दें, उसके बाद इन सारे भौरी यानी लिट्टी को इसके ऊपर सजा दें इस तरीके से, और गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई पर करें। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो फ्लेम है वो बहुत धीमा ना रखें, अगर आप बहुत धीमा रख देंगे तो ये जो लिट्टी बनकर तैयार होगा बहुत ही हार्ड हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए गैस का फ्लेम और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए। अब इसे कवर करें, करीब 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दें इसी तरीके से आँच पर, उसके बाद इसे फिर से पलट देते हैं। इसी तरीके से हमें पलटते रहना है इसे, ताकि ये हर तरफ से अच्छी तरह सीख जाए।
गाँव में क्या है, इस चीज़ को यानी भौरी को उपले पर बनाया जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है वो खाने में। ये तो थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना कि गाँव का भौरी लगता है। अगर आप गाँव का भौरी कभी खाए हैं तो आप इसे बनाकर खाएं, आपको वैसे गाँव वाला भौरी ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन अब शहरों में तो हर चीज़ अवेलेबल नहीं होता है तो हमें इसी तरीके से काम चलाना पड़ता है। वैसे ये बहुत ही अच्छा लगता है, तो इस तरीके से आप एक बार ज़रूर बना कर देखें। और जो पक गया है, करीब ये 20 मिनट हुआ है इसे पकाते हुए, जो पक चुका है उसे बाहर निकाल लें। पकने की एक निशानी ये है कि ये फट जाता है पकाते समय, और जो थोड़ा बहुत कच्चा रह गया है उसे इसी में छोड़ दें, करीब 3-4 मिनट के लिए और छोड़ दें ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। अब जो पक चुका है उस पर हाथ पर इस तरीके से घी लें या सरसों का तेल लें और इसको अच्छी तरह कोट कर लें। ऐसा करने से क्या है, इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है और ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। अच्छी तरह कोट करने के बाद इसे किसी भगोने में या कंटेनर में आप रख दें और करीब 10 से 15 मिनट के लिए इसे ढककर छोड़ दें। उससे क्या है, ये सॉफ्ट भी हो जाएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसे रख रही हूँ, कवर कर दें इसे। 15 मिनट बाद इसे आप सर्व करें। इसके साथ मैंने बनाया है हरे धनिए की चटनी, साथ में देसी घी जो कि बहुत ही अच्छा लगता है इसके साथ, ताज़ा मूली, हरे मिर्च और जो हमने बैंगन का भरता बना के रखा है उसे सर्व करें। और यकीन मानिए खाने में ये इतना अच्छा लगता है कि पेट भर जाएगा लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ कितना अच्छा लग रहा है ये। बस इसे इस तरीके से घी में डिप करें, चोखा लगाएं, चटनी लगाएं और साथ में मूली और हरी मिर्च खाएं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे तो मुंह में पानी आने लगा जबकि मैं इसे खा चुकी हूँ, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।